ऐसी दीवानगी। प्रिंसिपल सर का फोन आया था, कह रहे थे कि तेजस्वी ने पूरे गुजरात में टॉप किया है, इसलिए कॉलेज की तरफ से उसे इनाम दे रहे, और वो चाहते हैं कि अपनी बेटी की कामयाबी में मैं भी उसका हिस्सा बनूं। खास मेहमान का स्वागत करना चाहता हूं, जो है इस कॉलेज के कर्ता धर्ता श्री धर्म सिंह राठौर जी। प्रिंसिपल सर का फोन आया था, कह रहे थे कि तेजस्वी ने पूरे गुजरात में टॉप किया है, इसलिए कॉलेज की तरफ से उसे इनाम दे रहे, और वो चाहते हैं कि अपनी बेटी की कामयाबी में मैं भी उसका हिस्सा बनूं। मैं खास मेहमान का स्वागत करना चाहता हूं, जो है इस कॉलेज के कर्ता धर्ता श्री धर्म सिंह राठौर जी। चिराग को अगवा करना जरूरी था। मैंने ही आनंद से कहा था कि वो दूसरे कबीले वालों के पास ये काम करवाए। काका भी ये किडनैपिंग चाहते थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन बोल रहे हैं? मैं तेजस्विनी बोल रही हूँ। किडनैपिंग? तू मेरे पापा को फंसाएगी? छोड़ो। जितनी आसानी से अच्छा बन सकता हूँ, उतनी आसानी से बुरा भी बन। हमारे पास चिराग जोशी की फोन है। फोन करने वाले ने कहा कि इस किडनैपिंग में आपका हाथ। आज के बाद अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ भी करके उसे वापस इस घर में लाने की कोशिश की ना, कि आप सब लोग मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। आज के बाद मेरे पापा का हाथ तेरे सर से हमेशा हमेशा के लिए उठ चुका। अब जीकर बता राजपीपला में अपनी झूठी शान के साथ। कहाँ गया था, क्यों गया था, ये सब नहीं जानना मुझे। बेटा मैं जानता हूं कि तुझे सही और गलत की पहचान है, लेकिन सही और गलत देखने का नजरिया सबके लिए अलग अलग है। जो तेरे लिए सही है वो किसी और के लिए गलत भी तो हो सकता है ना। सबसे अहम बात, सबसे गलत बात ये है, गुस्से में अपने आप पे आपा खोना। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये बात समझने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। बादाम लेके आओ जरा, और ढोकला बन गया होगा देख लो। प्रेम, आज तुझे इतनी देर कैसे हो गई? वो ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। बस वो रात में थोड़ा लेट सोया था। झूठ बोल रहा है ना मुझसे? ये दवाइयाँ वैसे की वैसी ही है, तू ले नहीं रहा ना? माँ, ये दवाइयाँ आपको कहाँ से मिली? प्रेम, क्या तुझे फिर से डरावने सपने आ रहे? मैं ले रहा हूँ दवाइयाँ माँ, ये पुरानी वाली हो। अरे सच बोल रहा हूँ माँ। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ।
सो रहे हो तुम दोनों? प्रैक्टिस करने की नहीं? चलो उठो 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 उठो। ये गलत है प्रेम भाई, आपको हमसे पूछना तो चाहिए था। हमारा नाम लिखा दिया, नहीं करना यार पार्टिसिपेट। अच्छा, इतना बड़ा हो गया क्या तू? चुपचाप ट्रेनिंग कर, ये अपने खानदान की इज्जत का सवाल है। तुम लोग भी सुन लो, इस प्रैक्टिस से पापा की इज्जत का नाम जुड़ा है। चलो रेडी हो जाओ सब। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। चलो सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो, शोल्डर स्ट्रेट। आज से आप सब लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और आप लोगों को कोच करने में मेरी हेल्प करेंगे मेरे नए असिस्टेंट, जिन्होंने अभी गुजरात में और भी स्प्रिंटिंग कॉम्पिटिशन्स में गोल्ड मेडल्स जीते हैं और पिछले साल स्टेट लेवल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। पक्का मत शुरू करें यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर, इसका मतलब हमें सबसे बेस्ट से ट्रेनिंग मिलेगी। आप उन्हें जल्दी बुलवाइए सर, इतनी बड़ी दिग्गज हस्ती से ट्रेनिंग लेने में बहुत मजा आएगा सर, बुलवाइए। प्लीज वेलकम कीजिए मेरी नई असिस्टेंट कोच का, तेजस्विनी मेहता। खड़े होकर मैंने सबके सामने कहा था कि वो लड़की अपने परिवार और अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, फिर क्यों बुला है तुझे उसे यहाँ पे? मेरी लाइफ, मेरा बर्थडे, मेरी पार्टी, जिसको चाहे दोस्त बनाओ, जिसको चाहे पार्टी में बुलाओ। पानी, बारिश हो रही है। अब इस बारिश को तूफान में बदलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हेलो आंटी, आप लोग कब आए? बस अभी थोड़ी देर हुई। नाइस। व्हाट्स हैपनिंग? सब लोग इतने चुपचाप क्यों हैं? आई थिंक मम्मा शुड मैरी सैंडी। उससे भाग कर जिस घर में छुपने आए है ना, ये आपके समधियों का नहीं है, ये मेरी प्यारी माँ का है। तो वही कागज है जो मैंने वो प्रॉपर्टी डीलर खुराना को दिए थे, और खुराना ने पेपर मुझे दे दिए। चलो निकलो यहाँ से। एक बार पूजा भाभी को सरप्राइज देकर तो देखो, आपका और ताऊजी का कंपनी में जो जॉइंट अकाउंट है उसमें से पैसे निकालो। ये लास्ट डे है इस ऑफर, कहीं भाभी से ये सरप्राइज मिस ना हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वो प्रज्ञा है, उसने खुद अभी को फोर्स किया पूजा के लिए, तो वो मना क्यों करेगी? उसका भी तरीका है मेरे पास। हम उसे पूजा में बैठने के लिए मना करेंगे। जब वो पूजा के लिए मना कर देगी तो वो घर वालों की नजर में एकदम बुरी बन जाएगी, सब उससे नफरत करने लगेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम चाहते थे। अगर वो मान गई तो वो मुन्नी, अगर वो नहीं मानती है तो प्रज्ञा। डॉक्टर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ गई, निशा ये क्यों कह रही थी कि हमारी शादी को 1 साल हुआ है? निशा अपने बीते कुछ साल भूल चुकी है, उनको अपनी शादी के 1 साल तक का ही वक्त याद है।